क्वेश्चन करते हैं 51 से लेके 56 तक। तो ये क्वेश्चन तो उसने सॉल्व कर ही दिया हुआ है, तो मैं आपको नेम बता देता हूँ रूल्स का। आपके पास अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू लिमिट एट टू फॉर एग्जांपल। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके साथ लिमिट को लैदा लिखा जा सकता है ओवर एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू टू लिमिट लैदा लिखी जा सकती है। ऊपर वाले के साथ लिमिट लैदा लिख दो, टू और नीचे वाले के साथ। इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल फॉर लिमिट्स, ठीक है, कोशेंट रूल फॉर लिमिट्स। अब इसमें भी टू पुट करेंगे, फोर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर वो कह दे कि रूल यूज़ करो तो फिर हमें करने चाहिए। अब हम और क्या कर सकते हैं, लेट्स से इधर फॉर एग्जांपल टू भी लिख लो आप बेटर क्लियरेंस के लिए। अब हम ये कर सकते हैं कि इसके साथ लिमिट लैदा और वन के साथ लैदा, टू एक्स स्क्वायर के साथ एक्स अप्रोचिंग टू टू लैदा माइनस एक्स अप्रोचिंग टू टू इसके साथ लैदा, और इसमें हम क्या करते हैं कि लिमिट अंदर ले जाते हैं पावर के। ये जो लिमिट पावर के अंदर में रहेगा, यानी कि वन ओवर टू पावर थी ना, ये स्क्वायर रूट आप वन ओवर टू भी लिख सकते हैं इसे। इसे हम कहते हैं पावर रूल, कि लिमिट को अंदर जा के पावर के नीचे जो एक्स है उसके अंदर पुट कर दो। इसी तरह इधर इसे हम कहते हैं डिफरेंस रूल, इसके साथ लिमिट लैदा लगा दो और माइनस वन के साथ लिमिट जो है वो लैदा लगा दो, दरमियान डिफरेंस रूल। और इसी तरह अंदर भी हम एक्स के साथ लैदा लिमिट लिख देंगे और वन के साथ लिमिट लैदा लिख देंगे। इसे हम कहते हैं सम रूल, जिस तरह माइनस में लैदा लैदा की जा सकती है, इस तरह माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी हो आप लिमिट को लैदा लैदा हर किसी के साथ लैदा लैदा लिख सकते हो। और पावर हो तो पावर के अंदर आप, जैसे ये स्केयर है तो मैं टू पावर को बाहर ले जाऊंगा और अंदर लिमिट लगाऊंगा। इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लिए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स पर लिमिट नहीं अप्लाई होती, तो टू को बाहर निकाल लेते हैं एक्स का होल स्केयर और एक्स के अंदर जा कर लिमिट सिर्फ अप्लाई की जाती है टू। इसी तरह वन एक्स अप्रोचिंग टू टू, इधर भी आप चाहे तो वन को बाहर निकाल सकते हो, अंदर भी एक्स के साथ लिमिट लैदा और वन के साथ लिमिट लैदा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये सारे स्टेप्स अगर वो किए तो आप लिमिट को लैदा लैदा से, ये लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं तो हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तो वो नहीं कह रहा तो हम आमतौर पे करते नहीं हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में ऐसे लिमिट लैदा लैदा, बल्कि मैं एक दफ़ा कहता हूँ भाई जिधर जिधर एक्स आ रहा है उधर उधर टू लगा दो, तो इतने लंबे चौड़े काम करने की ज़रूरत। लेकिन अगर इन क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है, देखें अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, टू को वो बाहर ले गया, पहले उसने देखें ऊपर लिमिट लैदा की है और नीचे लिमिट लैदा से लिखी है, ये वाली ज़ीरो, देखो ऊपर भी लिमिट है नीचे भी लिमिट आ गई है। तो ये क्वेश्चन रूल हो गया, आप इसके सामने लिख देना क्वेश्चन रूल है, बस आपने उसका नाम लिखना है रूल का। पीछे आपके बुक पर एक टेबल भी बना हुआ है, उसमें उसने इन लिमिट्स के बारे में बता भी रखा है इनके क्या क्या नाम है। उसके बाद इसने इसके साथ लैदा लिख दी जी ऑफ एक्स के साथ, देखें ये लिमिट लैदा लिख दी एफ ऑफ एक्स, इसको अंदर ले गया लिमिट को, पावर टू बाई थ्री बाहर ले गया। तो इसे हम कह सकते हैं ऊपर जो है वो डिफरेंस रूल उसने यूज़ किया और नीचे उसने पावर रूल भी यूज़ कर लिया सेम टाइम में, आप दोनों के बारे में लिख देना। और उसके बाद उसने इसमें कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया है, तो इसका भी उसने एक नाम लिखा, मुझे इसका नाम तो याद नहीं है। कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले जा सकते हैं और लिमिट सिर्फ फंक्शन के ऊपर पुट होगी, इसमें भी और इसमें, इसकी लिमिट लैदा है इसकी लिमिट लैदा है। और अब उसने जो वैल्यू दे रखी थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर उसने बता रखी होगी, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है वन और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव। जब जी ऑफ एक्स, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जी ऑफ एक्स माइनस फाइव के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स जो है वो वन के इक्वल है। तो इधर वन और माइनस फाइव जिधर जिधर भी आ रहे हैं उधर उधर आप लगा दें, जी ऑफ एक्स की जगह माइनस फाइव, एफ ऑफ एक्स की जगह पर वन, इसी तरह एफ ऑफ एक्स की जगह पे वन, और इधर तो है ही नहीं, इधर तो सेवन ही आएगा क्योंकि इसमें तो लिमिट पुट नहीं होगी, तो ये हाली सेवन ही रह जाएगा। तो सारा सॉल्व करके सेवन बाई फोर उसका आंसर, सारा क्वेश्चन उसने पूरा सॉल्व कर दिया, बस वगैरह जो मैंने रूल यूज़ किया उन रूल्स के नाम लिखो, तो वो आप पीछे से देख के उनके नाम जो है वो लिख देना। इधर भी ऐसे ही है, रूल के नाम ही आप लोगों ने लिखने हैं।
पहले लिमिट लहदा लहदा की है, फिर स्केयर रूट के अंदर ले गया है, और फिर लहदा लहदा माइनस में और प्लस में लहदा लहदा की है, और आंसर उसने निकाल लिया है। ओके है? तो ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन तो खैर नहीं है इतने। इसी तरह 53 में आपने बस एफ ऑफ एक्स इसके साथ लिमिट लहदा कर देना, जी के साथ लहदा कर देना, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 लगा देना, जी ऑफ एक्स की जगह पे -2 लगा देना, इन सभी क्वेश्चंस में यही लहदा लहदा करके तो आपने आंसर निकाल लेना। जैसा कि इसमें ये वाला क्वेश्चन है, एक्स की जगह पे 4 लगा देना और एफ लिमिट लहदा करके एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 लगा देना, जी ऑफ एक्स की जगह पे -2 लगा देना और एफ ऑफ एक्स की जगह पे लहदा लहदा पहले लिमिट एक दफ़ा कर लेना, रूल उसने बोला यूज़ करने हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 लगा देना, ये उसने दे रखी है, ठीक है। 4 पे आंसर उसका एफ का, सॉरी ये है एफ ऑफ एक्स का 0 है, जी ऑफ एक्स का -3 है, तो लहदा लहदा करके इधर -3 लगा देना, इधर 0 लगा देना, 0 और आंसर आ जाएगा। इस तरह इनमें भी ऐसे ही है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेना है, इनमें भी माइनस पी के साथ लिमिट लहदा कर देना, आर के साथ लहदा लिख देना, एस के साथ लहदा, और इनके आंसर उसने दे रखे हैं, पी का 4 है, आर का 0 है और एस का -3 है, तो सारा मल्टीप्लाई वगैरह करके 56 तक आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 57 से हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।